यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे गाइस और मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आरिश खान की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। और या गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक रैंप चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। डाउट नट बच्चों, अगर आप सभी होमवर्क कर रहे हो, फिर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो आपको उस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर फोटो क्लिक करना है और डाउट नेट एप्लीकेशन पे डालना है। 5 सेकंड के अंदर आपको जो है आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे आपका होमवर्क हो या फिर CBSE बोर्ड का हो, CBSE UP बिहार महाराष्ट्र राजस्थान MP कहीं का भी हो, और IIT JEE नीट और 12वीं से 6ठी क्लास तक के आपको सारे क्वेश्चन की जमा मिल जाएंगे। फिर अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, कोई सा भी गाइज यहाँ पर जो है हो सकता है। और गाइज इतना ही नहीं, डाउट नेट पर 9th से 12th क्लास तक के लाइव क्लासेस चल रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउट नेट पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन। बहुत दिन हो गए हमने कोई रैंप चैलेंज किया भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई रैंप चैलेंज करेंगे, ठीक है। ड्रोन शॉट्स दिखाए जाए तो आज हमारे पास है 2 मर्सिडीज, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। एक है ट्रैक्टर, एक है ऑडी RH, एक है थार, एक है हैरियर, ठीक है। देख रहे हो ट्रेसी आई है, देख रहे हो अंडर वाटर माफिया भी यहाँ पर, ये देख रहे हो कैसे कैसे लोग आए हैं, ये देख रहे हो भाई साहब। भाई तुझे बैठने किसने कहा है? छोरा बैठा है, एस्ट्रोनॉट भी आया है ये बिग माफिया का भाई, मेड भी है एक, खैर ये है। और गाइस ये होने वाला है चैलेंज, इधर से अपनी गाड़ी निकलेगी, इधर से जाते इतना लंबा वहाँ से गाड़ी कुदाना है। देखते हैं कौन सी गाड़ी इस चीज़ को जो क्रॉस कर पाती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम जो है महिंद्रा थार को यूज़ करेंगे दोस्तों, जो कि बनाई है हमारे प्यारे मोडिंग गुरु जी ने, ठीक है। चलो थ्री टू वन निकल गई। चलो और इनकी ओरिजिनल स्पीड पे चलाऊंगा मैं, कोई बूस्ट वगैरह नहीं मारने वाला हूँ दोस्तों। इनकी जो ओरिजिनल स्पीड होने वाली है मैं उसी पे चलाने वाला हूँ मैं, और कुछ भी नहीं करने वाला अपनी तरफ से, ना मैं कोई बूस्ट मारूँ कुछ नहीं करूँगा। जो इनकी ओरिजिनल स्पीड है ना अपनी, उन्हीं पे चल रही है। देखो मेरे हाथ खड़े हैं, ठीक है। 318, 20, 21, 22 टॉप स्पीड इसकी, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। 331 कुछ है, सही है। चलो पार कर जाएगी क्या? शायद ओ या थार का वैसे कुछ बिगड़ा भी नहीं यार, कसम से थार का कुछ बिगड़ा भी नहीं भाई। थार का दोस्तों कुछ भी नहीं बिगड़ा लिटरली यार, भाई साहब यार। मैं सोच रहा था थार को बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आने वाली है, पर नहीं यार थार का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, कसम से यार, ये एकदम सही चीज़ है दोस्तों, कुछ नहीं बिगड़ा थार का। खैर गाइस अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टाटा हैरियर आ चुकी है दोस्तों। टाटा हैरियर इन द हाउस बैठ गए टाटा हैरियर में, देखते हैं भाई कितना दम है इस टाटा हैरियर के अंदर। रियल वाली टाटा हैरियर जितना दम है नहीं है। ऑल राइट देन, स्पीड तो बढ़ती जा रही है। थार तो पहुंच भी गई थी यहाँ पर 350, ये पहुंच जाएगी क्या? 330 पहुंच गई थी बेसिकली, 330 ये नहीं जा पाएगी, ये चली जाएगी शायद। 330 ही गई है, 330 ही गई है, और मेरे हाथ हैं भाई खड़े। अब जहाँ पर भी जाकर रुकेगी ना वहीं पर ही रोक देंगे, फटती है फटे, रुकती है रुके, कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं पता। भाई ये तो जमीन में घुस गई, देख रहे हो क्या हो रहा है इस कार के साथ, देख रहे हो आप? मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इतनी तकड़ी ग्लिच हुआ इस कार के साथ, देख रहे हो। चल भाई हमें क्या,
जो भी ग्लिच था वो तो था ही। चलो हम गाइस चलते हैं ऊपर। ऐसा ग्लिच पहली बार ही देखा गया है 17-18 सालों में। जैसे वो गाना गाते हैं ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, बस वही 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 बात मान लो, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इतने भाई मैं इतने गाड़ियों में चलाता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, समझ रहे हो आप, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। मैं फिर भी अब कर भी क्या सकते हैं, वो देखो गाड़ी आसमान में खड़ी है, दिख रही है, आसमान में नहीं है बट बेसिकली वो यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है वाला। चलो अब दोस्तों यहाँ पर आ गई चार चीज़ें, हम चलाएंगे पहले ट्रैक्टर ही। चलो चलो ट्रैक्टर का सबको पता है दोस्तों, कोई कुछ नहीं बोलेगा जब सबको पता ही है, ठीक है ना। ये चलेगा ही नहीं इतना मुझे पता है, पर जितना भी चलता है वो तो देखना तो पड़ेगा ही ना। अब जितना भी जाएगा ये ट्रैक्टर की भी हद देखता हूँ भाई कितनी स्पीड तक है। पहले ऐसा ट्रैक्टर होगा जो इसे क्रॉस कर भी देगा या नहीं। ट्रैक्टर कितनी है, ये तीन गियर होते हैं इसमें, बस तीन गियर होते हैं, बस तीन से ज़्यादा गियर नहीं है इसमें, समझ रहे हो आप, तीन से ज़्यादा नहीं है। 158 पे इसकी स्पीड जाके लॉक हो गई, 158 पे, 158 से ऊपर इसका इंजन रन ही नहीं कर सकता। 160 होगी मुझे तो ऐसा लगता है, लगता है ऐसा 160 हो सकती है, सही है। हेडलाइट चला के भाग रहा है, 160 भी नहीं है, 150 एक स्पीड कम है, हो भी सकते हैं यहाँ पर रुकना जाए अभी। मुझे पता था ट्रैक्टर के साथ कुछ ऐसा ही होगा, हाथ खड़े हैं भैया अपने, इसके साथ भी तगड़ा ग्लिच होगा कुछ लग रहा है। Shit. कुछ अलग ही चीज़ हुई है, मेरी तो टंगिया में चोट लग गई है भैया, और ट्रैक्टर कहीं वहाँ टूटा हुआ गिरा होगा, वो रहा ऐसी तैसी होगी भाई ट्रैक्टर की। बिंगा बुंगा सा हो गया, चल खैर। अब भाई गाइस मैं तो कुछ करने से रहा इस चीज़ के मामले में, है ना, सही है जितना भी था, पर मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी ज़्यादा वो होनी चाहिए इसके अंदर कैपेसिटी, इतनी इतनी कम कैपेसिटी नहीं सोची थी मैंने जितनी कम इसके अंदर दिखाई गई, थोड़ी ज़्यादा होती। ऑडी R8 है मुझे पता है वो क्रॉस करेगी सबसे आगे, ठीक है, पर इतना भी नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल ही, है ना, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना चाहिए आपको। ऑडी R8 नया फेसलिफ्ट मॉडल है, नए व्हील्स के साथ, व्हील्स देख रहे हो। चलो ये जाएगी 330 से प्लस शायद, इंजन के किसी गाड़ी का कुछ पता नहीं होता, क्या पता कितना जाती हो। हो जाएगी 300 प्लस भाई, ये 300 प्लस नहीं हो पा रही, ओ माय गॉड 300 बस भाई। हैरियर वगैरह इतना भाग गई थी पर ऑडी ने इसकी स्पीड लॉक है, ECU ने लॉक कर दी इसकी स्पीड, हाथ खड़े हैं, इसकी स्पीड जो है ECU के माध्यम से जो है लॉक की गई है दोस्तों, वरना ऐसा ना होता इस कार के साथ। ये इसके डब्बे में गिरेगी, नहीं नहीं बाहर गिरेगी, कुछ नहीं बिगड़ा इस गाड़ी का, जरा सी टर्बुलेंस लैग भी नहीं हुई। हाँ बस आगे का चपटा सा हो गया, आगे का तो देखो टूटता ही है, हर गाड़ी का टूटता है, इसका क्या मजाल है, हर कार का टूटता है, जौन सी भी कार यहाँ पर आपको मिलेगी ना उस हर गाड़ी का ही टूटेगा जिसको भी आप ऐसे जंप करवाने की दोस्तों कोशिश करोगे, ठीक है ना। होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें तो खैर होती रहती हैं, पर इतनी भी नहीं होती जितनी इसमें दिखाई जाती हैं, समझ लो। लास्ट
अपनी कार है मर्सिडीज बेंस। लगता तो है मर्सिडीज बेंस कहाँ तक जा सकती है कहानी पर, अभी देख लेते हैं। चलो, इतनी ऊपर फ्लाइट घूमती है जितनी ऊपर हम इस रैंप को ले जा रहे हैं, देख रहे हो, इससे भी नीचे फ्लाइट घूमती है, देख रहे हो गाइस, इससे भी नीचे घूमती है फ्लाइट। हम तो भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर से कोई, अब मैं अपना एक फेवरेट कलर चलाना चाहूँगा जो कि है सिल्वर, ठीक है, ब्लू तो मुझे इतना अच्छा लगता। चलो, ये गाड़ी तय करेगी अब होना क्या है। ये पहली लिम्बोजीन है जो मैं इसके ऊपर चला कर देखूंगा दोस्तों। ये वाकई में रियल में भी ये सबसे फास्ट गाड़ी है, अब तक की सबसे फास्ट कार है, सबसे जो 350 को भी क्रॉस किया। ऑडी से भी तेज है, ऑडी से भी तेज, रियल हाई स्पीड है इसकी, 370 से भी जो इन्हें क्रॉस करी है, देख रहे हो। ये शायद फट जाए क्योंकि हाई स्पीड वाली कार है, शायद, एग्जैक्टली नहीं पता। नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ, हमारा जो प्लेयर है उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी ड्राइवर हो गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी जो उल्टी गिरी है। अब उल्टी गिरने से क्या हुआ है, गाड़ी का पिछवाड़ा जो है बिल्कुल पिचक गया है, देख रहे हो, पर आगे से भी सही है, पीछे से बिल्कुल क्रैक हो चुकी है कार, चलने लायक है, आगे से कुछ नहीं डैमेज हुआ। तो यही था गाइस आज का चैलेंज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक करना, और अगर आप सब लोग चाहते हैं मैं इस टाइप के और भी चैलेंजेस करूँ तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।